पाजी, हमारे देश में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कि मेहमान जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन यही मेहमान अगर दो दिन ज्यादा रुक जाए ना, तो फिर असली भगवान से प्रार्थना करो, तो भाई तेरा ही रूप है, तू ही मंगवा इनको वापस। नहीं जाते कुछ लोग, मुंबई शहर का आपको पता है, यहाँ पे तो माँ बाप खुद दुआ कर रहे होते हैं कि बच्चे कहीं बाहर खेलने जाएं, तो घर में कोई और खेलने कूदने वाला आए, ऊपर से मेहमान आ जाए तो और मुसीबत। अच्छा, हमारे देश में गर्मियों की छुट्टियों में हमारी जो बहू बेटियां बेचारी जिनकी शादियां हो जाती हैं, शादी के बाद नाना और मामा इन्हीं के घरों में घूमने जाती है, और कहाँ जाएंगी। अच्छा, इन गर्मियों की छुट्टियों में एसी कूलर और ट्रांसफार्मर पे इतना लोड नहीं होता जितना नाना और मामा पे होता है। और ये लोग जब छोड़ने जाते हैं ना वापस उनको छुट्टियों के बाद, एक घंटा पहले स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। स्टेशन पे वेट कर लेंगे, इनकी ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए। और जो हस्बैंड अपनी बीवियों को मायके छोड़ने जाते हैं ना, वो खुशी खुशी में कभी कभी ससुराल तक छोड़ आते हैं, उनका डर होता है कि रास्ते से ना वापस आ जाए। अच्छा, कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं ना भीड़ टाइप के, भीड़ भी होते बड़े। अच्छा, अपने घर में ना अगर हाथ में तेल लगा ना, तो टीवी का रिमोट भी नहीं उठाएंगे, उसको साइड से उठा के ना ऐसे ठुड्डी से चैनल चेंज करेंगे। और दूसरे के घर में जाएंगे, सब्जी सुब्जी खा के उनके पर्दे से भी पहुंचाते, क्या फर्क पड़ता है कौन सा इनके घर। अच्छा, एक चीज आप देखना, तो लेडीज होती हैं घर में, जो मेहमान आता है ना उनके सामने बड़ी सोफिस्टिकेटेड हो जाती है। बच्चे ने आपके ने अगर दही का डोंगा भी गिरा दिया ना, तो ज्यादा डांटेंगे नहीं, बबलू इट्स ओके बेटा, आई विल क्लीन यू, गो एंड डू योर होमवर्क। क्या देख रहा भी, आज बड़ा प्यार। नहीं तो वही माँ, जब कोई मेहमान नहीं ना होता, बच्चा नंगे पास सोफे पे भी कूद जाए ना ऐसे करके, तो हाथ मरोड़ के ऐसा घूसा मारती ना, तब बच्चे को समझ में आता है मेरे बाप की कमर टेढ़ी क्यों है। अच्छा, कुछ घरों में ना नए बर्तन जो होते हैं ना, मेहमानों के आने पे निकालते हैं, और कुछ लेडीज तो इतना ध्यान रखती ना, गिलास में से जो स्टिकर होता है ना लगा होता है छोटा सा, उसको भी थोड़ी देर पहले उतारती जब शरबत देना होता है। मेहमान जब शरबत पीते ना, तो शरबत पीता तो होठ से खींच के निकालता है वो, उसको बड़ी देर बाद समझ लगता है कि शरबत का मीठा नहीं है, ये उसकी चुंबक है, फिर वो बेचारा घुमा के पीता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने घर में चाय पीते ना, साथ में कुछ नहीं खाते, नहीं नहीं बेटा ले जाओ, खाली चाय पी लेंगे, नमकीन आ भी जाए तो एक आध मूंगफली का दाना, किसी और के घर में जाए ना तो काजू बादाम की थाली पे ऐसा आपकी पार्टी के चोर निशान जैसा पंजा बना के ना भर के काजू बादाम उठाते हैं, और फिर इधर से काजू लीक होता वो भी नहीं गिरने देते, और बहन जी बस हम तो पूरा पूरा पैसा वसूल करते हैं, मुफ्त का चंदन किस मेरे नंदन। अरे कुछ लोगों को पता चलता है मेहमान आने वाले, घर की चीजें छुपाना शुरू कर देते हैं, बेटा काजू बादाम पीछे कर, मूंगफली और चने आगे कर। लेडीज अपने बच्चों को समझाने लगती है, बेटा अपनी वीडियो गेम छुपा लो, तेरी बुआ का बेटा बड़ा कमीना तोड़ के जाएगा वो, मतलब अलग ही टेंशन है। लोग जब दूसरों के घरों में जाते हैं ना, अपने बच्चे को खुला छोड़ देते हैं, और बच्चे इतने फ्रैंक हो जाते हैं उनके बिस्तर पे सुसु कर देते हैं कभी कभी। हाँ होता है ऐसे, और फिर मियाँ बीबी में झगड़ा करवा देते हैं, अंदर जाके पति बोल रहा था अरे कोई बात नहीं सुसु कर दिया तो, और पिला अपने भतीजे को शरबत। मारा तो ये दिनेश है ना अपना गिटारिस्ट, मेहमानों के जाने के बाद ना अपना तकिया चाट रहा था, उसकी बीवी कहती ये क्या कर रहे हो, कहते तेरे भांजे का बेटा घर को है चॉकलेट लगा गया, उसके नीचे 70 रुपए की चॉकलेट खराब की, 250 रुपए की चादर, वही खत्म कर रहा हूं। अच्छा, अपना बच्चा शरारत कर दे, आप जितना मर्जी डांट सकते हो, मेहमान के बच्चे को आप डांट ही नहीं सकते। मेहमान का बच्चा आपका महंगा साला गिलास भी तोड़ दे ना, तो आपका अंदर चाहे जितना मर्जी गुस्सा है, आप डांट नहीं सकते। उल्टा मेहमान खुद डांटता ना बच्चे, क्यों तोड़ दिया गिलास आपने, अरे रहने दो बहन जी, बच्चे ही तो हैं, बच्चे नहीं शरारत करेंगे तो कौन करेंगे हैं। अच्छा, उसका खुद का बच्चा सोच रहा था कि ये बात हमारे साथ तो कभी हुई नहीं, हमारे तो सीधा गाल पे थप्पड़ आता है। अच्छा, गुस्सा तो होता ही गिलास टूटने का, फिर बच्चे को प्यार से बुलाते जब इधर उधर जाते ना माँ बाप, कम से बेटा क्या नाम है आपका, हमारा गिलास मिला था तुझे। अच्छा, मेहमान जब आते ना, पहले एक दो दिन तो बड़ी खातिरदारी होती है, देसी घी का तड़का वगैरह लगता है, ज्यादा रुक जाए ना फिर घी तो कॉन्सेप्ट से निकल ही जाता है, फिर दाल धीरे धीरे कम होने लगती, पानी ज्यादा होने लगता है, कुछ औरतें जानबूझ के तेज मिर्ची डाल देती हैं, लेकिन मेहमान कई ढीठ भी होते हैं, वो नहीं लेते, नहीं मानते, ये बहुत अच्छा किया मिर्ची वाली बनाई, पेट साफ हो गया। अच्छा, जब मेहमान आते ना उनके आगे बिस्किट वगैरह रखते ना, तो माएं अपने बच्चों को मना कर देती, बेटा उनकी प्लेट से बिल्कुल नहीं उठाना, तो बच्चे मजबूर होते हैं, हाथ बांध के खड़े रहते हैं, मेहमान कभी कभी खुद बोल देते हैं बेटे आप भी लो, बच्चा माँ की तरफ देखता है, माँ कहती नहीं नहीं आप खाइए, तो खाता रहता है। अच्छा, बच्चे पोल भी खोल देते हैं, कहाँ खाता रहता है, आज ही तो लेके आए पापा, झूठ बोल रही है। अच्छा, मेहमान जब जा रहे होते हैं ना, तो सबसे छोटे बच्चे को वैसे 150-200 रुपए दे देते हैं ना, तो बच्चा लेता नहीं, माँ मना करती, नो बेटे पैसे अंकल को बोलो, थैंक यू नहीं चाहिए पैसे, बोलो चलो।
थैंक यू, नहीं चाहिए। पीछे हाथ कर लेते ना, तो मेहमान जबरदस्ती बच्चे का हाथ पकड़ के रखो बेटा चॉकलेट खा लेना। अच्छा मेहमान मोहल्ला भी नहीं क्रॉस करते, माँ फटाफट दरवाजा बंद करके बच्चे को घेरती दिला। बच्चे की उंगली मरोड़ के ऐसे निकालती है ना 100 रुपया, तू क्या करेगा, चल भाग इधर चल। अच्छा कई बार ऐसा होता है ना कि गेस्ट के बच्चे आए वैसे आपका सोफा देख के ना उसके ऊपर कूदने लगते हैं। ए, कितना नरम है। अच्छा जिसका घर होता है ना वो बस नहीं चलता उसका, फिर वो अपने कुत्ते को देख रहा होता कि चलो हमारे तो रिश्तेदार, तेरे थोड़ी कुछ लगते, तू तो काट। पाजी हाँ जी, बारिशों का मौसम है, लोग इंजॉय कर रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, क्या बात, इनकी शादियां हो चुकी हैं वो इन हाउस एंजॉय कर रहे हैं, इनकी नहीं हुई वो आउटडोर एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जैसे ही बारिश होती है ना आजकल के लड़के लड़की ना फिल्मों को देख के बड़ा इंप्रेस हो जाते हैं। मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को बिठा के ना बाइक पे बाहर निकल जाते हैं। अच्छा वो ये भूल जाते हैं कि जो वो फिल्मों में देखते हैं हीरोइन, उनका तो मेकअप जो होता है वाटरप्रूफ होता है, इधर लगा लगा रहता है। हमारे जैसे घर परिवार की लड़कियां बेचारा सस्ता मेकअप थोप लेती हैं, फिर बाइक पे बैठ के जाती ना जैसे ही, तो फिर लिपस्टिक जो है फैल के दांतों पे आ जाती है और काजल सारा लीक होके गालों पे, खुद ही लड़का डर जाता है देख के, हाय मम्मी इसको तो मैं बिठा के नहीं लाया था। अच्छा शादी से पहले और शादी के बाद बरसात के मायने बदल जाते हैं। हाँ। शादी से पहले लड़का लड़की जो एक ही छोटा सा छाता लेके ना लवी डवी, नहीं इंजार प्यार हुआ इकरार हुआ। अच्छा वही आदमी जो एक ही छाते के नीचे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता है, शादी के बाद देखना आप प्लास्टिक की पॉलीथीन की थैली लगा के ना लुंगी को 1.5 फीट ऊपर उठा के दूध लेने जा रहा होता है वही आदमी, तब उसको बरसात अच्छी नहीं लगती, ऊपर से चप्पल पहनी वो भी कीचड़ में फंस जाती कभी कभी ना, एक पांव भारी हो जाता है, गालियां देता जाता है, बेड़ा घर का भी होनी थी बारिश। बरसात के मायने बड़े बदल जाते हैं, विदेशों में देख लो आप बरसात होती है ना लोग सबसे पहले रेनकोट ढूंढते फौरन, ऑलवेज रेनकोट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड, हमारे लोग मोमबत्ती ढूंढ लो, उनको पता है कि 20 मिनट बारिश हुई ना तो 2 घंटे लाइट जाएगी। अच्छा मुंबई में तो बरसात होती रहती है, यहाँ के लोगों को आदत है, सबके पास अपना अपना छाता होता है। अच्छा लड़कियों के पास बड़े अच्छे अच्छे छाते होते हैं मैचिंग, पर्पल येलो पिंक है ना, वो खुलते भी इतना छोटा सा ही होता है, उतना सा ही कवर करता है जितनी लड़की, बाकी इधर सब बिकता है। अच्छा वो 3 स्टेप में खुलता है, पहले बटन से क्रिच उड़िच ऐसे वाला छाता, नहीं तो आप पुराने छाते देख लो इतने ढीठ पुराने छाते खुलते नहीं, उसको खोलो ना तो फिर वापस आ जाता, फिर खोलो 3-4 बार में उंगली भी आ जाती कभी कभी। अच्छा जब से ये सब सोशल नेटवर्किंग शुरू हुआ ना, मतलब लोगों ने तो हद ही कर दी है, थोड़ी सी बारिश हुई ना लड़कियां सबसे पहले अपने फेसबुक पे फोटो डालती हैं, इट्स ड्रिजलिंग हैविंग चिल इन मुंबई इज फर्स्ट रेन। अच्छा नीचे कमेंट भी बड़े अच्छे अच्छे आते लड़कियों को, काश हम भी आपके साथ होते। अच्छा कुछ लड़के मेरे जैसे जिनको कोई लेना शक्ल देखना पसंद नहीं करता कोई, खुद ही लाइव आ जाते हैं, वो भी ऐसे डालते ना बरसात हो रही है रिमझिम रिमझिम, नीचे कमेंट आते साबुन रगड़ के नहा ले। अच्छा इंसान जब बारिश में भीग जाता है बड़े नाटक होते हैं उसके, घर आएगा पहले तो तौलिए से पहुंचा, फिर ड्रायर से, फिर चाय भी बनवा लेगा, जानवरों को एकदम सही, कुत्ते को देखा आपने भीगे हुए कभी, कोई टेंशन नहीं लेता वो, हुच करके ना 70% पानी निकाल देता है, बाकी 30% दौड़ के सुखा लेता है वो, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका। अच्छा शादी किसी भी वक्त हो आदमी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर शादी के वक्त बरसात हो जाए फिर बड़ी चिड़चिड़ती है, स्पेशली जब लोग खाना खा रहे हैं आउटडोर मैरिज हो ना तो लोगों की प्लेट में पानी गिरने लगता है, फिर लोग चपाती पकड़ के ना यूं पानी एक उंगली से रसगुल्ला रोकते हैं, फिर पानी झाड़ के बेचारे औरतें क्या करती कभी कभी प्लेट ऐसे करके सर ऊपर करके ऐसे टेढ़ा खाने लगती हैं, फिर सडनली उनको पता चलता है जब माथे का सिंदूर फैल के दही बड़े पे गिरता है ना, फिर वो हैरान होती है कि दही बड़ा तो सफेद था कि लाल कैसे हो गया। अच्छा बारिश में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कपड़े सुखाने की। अच्छा पेंट शर्ट तो गीली हो जाए, चलो भाई का पहन लिया पिताजी का पहन लिया, मेन बात जाके अटकती कच्छे पे। अच्छा आम आदमी के पास ले दे के दो ही होते हैं, एक तो पहले बारिश की वजह से सूख नहीं रहा है, दूसरा वो पहन के बाहर गया था वो भी गीला हो गया। अब ऐसे में आदमी तौलिया पहन के ना कच्छे को लिटा के प्रेस से सुखाता है। अच्छा गीले गीले कच्छे प्रेस रखो ना तो एकदम से भाप छोड़ता है वो, फिर आप देखना प्रेस का निशान भी ऐसे तिकोन छप जाता है उस पर पूरा, फिर भी नहीं सूखता, फिर आदमी को जैसे तैसे वही पहनना पड़ता है, फिर उसको कहीं कहीं से गर्म कहीं कहीं से ठंडा लगता है। ये अपना दिनेश है ना, इसके पास दो ही हैं,
तो दोनों कहीं गीले हो ना, तो इसने एक इलास्टिक रखी हुई है, उसको ऊपर से ऐसे पहन लेता है, थोड़ी थोड़ी दिखती रहती है ना, कहता है लोगों को लगना चाहिए कुछ पहना है, बाकी अंदर का किसको बताए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।